हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सी के बारे में वेरिएबल, कांस्टेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, स्कैन एफ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग जो है एक सी प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको सी प्रोग्राम आप अपने लेवल पे करना शुरू कर सकें। तो अब इसमें मान लीजिए प्रॉब्लम ये दी हुई है, क्वेश्चन ये है आपका कि देखिए, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए राम्स बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, हिज डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी। मतलब क्वेश्चन ये है कि देखिए, बेसिक सैलरी जो है किसी व्यक्ति की, बेसिक सैलरी ठीक है, वो तो हमें इनपुट करनी है कीबोर्ड से, ठीक। उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस वो उसने कहा है कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, ठीक है। और जो हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस वो दिया हुआ है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें उसकी राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी, हमें ये करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी जो उसकी आ रही है, ग्रॉस सैलरी जो आ रही है उसको कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखना है, ठीक। अब देखिए, इसमें हम प्रोग्राम लिखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे मान लीजिए हमने एडिटर में प्रोग्राम लिखना शुरू किया, तो सपोज कीजिए हमने पहली लाइन ये दे दिया कमेंट लाइन करके इस तरह कि ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ये हमने समझने के लिए लिख दिया डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो जान जाएगा कि ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। अब मान लीजिए इसमें हम एक लाइन और देना चाहते हैं, हमने लिख दिया कि दिस इज डेवलप्ड बाई, या हमने ऐसे सीधा लिख दिया डेवलप्ड बाई, और हमने जो भी नाम देना है यहाँ पे, मान लीजिए हमने कहा श्री अनंता ट्यूटोरियल, ठीक है, श्री अनंता ट्यूटोरियल्स ये लिख दिया, ये तो हो गई कमेंट लाइन, ठीक। इसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट बेटर डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस से, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो देखिए, अब इसमें जो इन बगैर इनपुट आउटपुट फंक्शन के तो कोई प्रोग्राम बन नहीं सकता, तो सबसे पहले हमने लिख दिया इंक्लूड, और यहाँ हमने लिखा stdio.h, ये वो हेडर फाइल होती है, अभी आगे डिटेल्स में आएंगी ये सारी चीज़ें, जिसमें सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन होते हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले चीज़ हमको लिखना होगा कि मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने मान लीजिए लिखा से इंटीजर मेन, ये लिखा हमने, और यहाँ से मेन का स्टार्ट हो गया, ठीक। अब आप देखिए कि आपको क्या इनपुट करना है, क्या चीज़ दी हुई है, कितने आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहले तो बेसिक सैलरी आपको इनपुट कीबोर्ड से इनपुट करना है, तो इसके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए इंटीजर, ये आपको इनपुट करना है तो इंटीजर सैलरी हम इनपुट करेंगे। तो हमने बेसिक सैलरी का वेरिएबल को हमने नाम दे दिया BS, ये हो गया बेसिक से, आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने रेलिवेंट इसलिए रखा है ताकि याद रहेगा। तो एक वेरिएबल हो गया इंटीजर BS, ठीक, और केवल ये हमको इनपुट करना है, ठीक है। चलिए, ये हमने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस और ग्रॉस सैलरी, तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो कोई कंफर्म नहीं है कि सॉरी ये आपका परसेंटेज में आएगा कि इंटीजर में आएगा, तो इसलिए हमने इसको डिक्लेयर किया फ्लोट, हमने लिखा फ्लोट। अब डियरनेस अलाउंस के लिए हमने ले लिया वेरिएबल DA, हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमने ले लिया HRA,
और जो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है हमको, उसको हमने ले लिया जीएस। इस तरह से हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ये आपके बेसिक सैलरी के लिए भी ठीक है, और ये डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ग्रॉस सैलरी के लिए। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी आप इनपुट कराइए। तो हम पहले स्टेटमेंट देंगे प्रिंट एफ, एंटर द बेसिक सैलरी, ताकि ये स्क्रीन पे आएगा तो यूजर को पता होगा भाई बेसिक सैलरी एंटर कीजिए। अब इसको एंटर कर, ये तो मैसेज आ गया। जब आप कोई डाटा एक्सेप्ट करते हैं कीबोर्ड से, तो आपको ये भी लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन है स्कैन ऐप, जैसे ये आपने प्रिंट ऐप दिया है ऐसे ही स्कैन ऐप होता है, ऐसे आप देंगे। फिर कोट्स में आप जिस तरह का डाटा टाइप, तो बेसिक सैलरी क्या है, इंटीजर टाइप, तो आप इंटीजर टाइप के लिए लिखेंगे परसेंटेज डी, कोट्स बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे एम परसेंट साइन के साथ, ये एम परसेंट साइन के साथ आप लिखेंगे बी एस, समझ रहे हैं? तो इस और ब्रैकेट क्लोज, ये एम परसेंट साइन का मतलब ये होता है कि ये इनपुट वेरिएबल है। ठीक, इसको हमने ओवरराइट कर दिया, हो सकता है ये गड़बड़ हो गया हो, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। ये हो गया, ऐसे आप पहले एम परसेंट साइन लगाएंगे तब आप लिखेंगे बी एस। इससे क्या होगा कि सैलरी एंटर हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद जब सैलरी आपके पास आ गई, तो आप क्या कीजिए, डीआरएस अलाउंस कैलकुलेट कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास बेसिक सैलरी बी एस में आ चुकी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डीए इज इक्वल टू 40% है ना, तो आप फॉर्मूला चाहे तो निकाल लीजिए, चाहे 0.4 से सीधा सीधा कर दीजिए, या सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 100 ऐसे, या अगर आप चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, इनका कोई यूज नहीं, ये आपने लिखा ये लिखा। ठीक, इसको और पास कर दीजिए, बेसिक सेल 40 इंटू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 100। इससे क्या होगा कि डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट हो गया। इसको चाहे तो आप डिस्प्ले, अभी मान लीजिए हम कर देंगे लास्ट में, ये डीए कैलकुलेट हो गया। फिर हमने कहा कि एचआरए, तो हमने लिखा एचआरए इज इक्वल टू 20% है ना, तो 20 इंटू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 100, ये एचआरए हो गया। ठीक, अब आपको ग्रॉस सैलरी, तो आपने लिखा जी एस इज इक्वल टू, हमारे पास बेसिक सैलरी है प्लस किया हमने डीए है प्लस किया हमने एचआरए है, ये हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई कैलकुलेट होके। अब क्या होगा कि अब आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है, तो आप ऐसे लिखिए प्रिंट एफ, और अगर सारी चीज़ों का आउटपुट निकालना है तो चाहे आप एक ही में लिख सकते हैं और चाहे आप अलग अलग लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे प्रिंट एफ आपने लिखा, तो आपने लिखा कि डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या किया, कोट्स क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डीएनएस अलाउंस किया था आपका, फ्लोट टाइप था ना, तो परसेंटेज एफ किया आपने इस तरह। ठीक, और अगर अगला आपको नेक्स्ट लाइन में करना है, तो आपने स्लैश एन कर दिया, चाहे तो ना भी करिए, और कॉमा यहाँ पे जो डीएनएस अलाउंस उसमें था डीए में, ये आप लिख दिया डीए। ये तो स्क्रीन पे अभी कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये डीएनएस अलाउंस आपने प्रिंट कर दिया, ऐसे ही आप प्रिंट कर दीजिए हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू, फिर आपने परसेंटेज एफ जो डाटा टाइप है, फिर अगली लाइन में तो स्लैश एन कर दिया आपने, कॉमा यहाँ लिख दिया एचआरए, ये प्रिंट हो गया। अब टोटल सैलरी आपको प्रिंट करनी है, तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ द ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, फिर आपने लिखा परसेंटेज एफ। ठीक, और
बंद, अब अगले लाइन में तो कुछ करना नहीं, तो इसलिए स्लैश एन हमने नहीं किया, कॉमा, और ग्रॉस सैलरी का वेरिएबल हो गया जीएस। ठीक, यहाँ पे आपके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चूंकि आपने मेन देखिए वहां पे इंटीजर टाइप लिया है, तो आप रिटर्न करा दीजिए जीरो, रिटर्न जीरो, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ये आपका एक सी प्रोग्राम बन गया कि अगर आपको बेसिक सैलरी दी हुई है तो आप डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड करके आप रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोग्राम जब रन करेगा तो क्या होगा, ये हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए आप समझ लीजिए इसको, यहाँ से आपने प्रोग्राम लिखना शुरू किया है, ये तो ये क्या है, ये तो कमेंट लाइन है, ये दोनों क्या है, ये कमेंट लाइन है। तो कमेंट लाइन आपको मालूम है कि उसके वोट खाली डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से लिखी जाती है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो ये तो हो गया कमेंट लाइन, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक, तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो आदमी प्रोग्राम पढ़ेंगे तो क्या हो गया, ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे क्या है। अब देखिए ये इस लाइन यहाँ से क्या होगा कि जो हेडर फाइल है इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगी हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेडर फाइल इंक्लूडेड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपने ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया इन दोनों लाइन में, तो ये आप लिख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड। ठीक, ये हम केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, सब रेड में जितना लिख रहा है। फिर ये हम मैसेज देंगे यूजर को, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द बेसिक सैलरी, यहाँ पे हम बेसिक सैलरी कीबोर्ड से, बेसिक सैलरी कीबोर्ड से हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, बेसिक सैलरी एंटर्ड। ठीक, अब जब बेसिक, अब सपोज कीजिए यहाँ पे लेके चलिए कैलकुलेट करते चले, मान लीजिए हमने बेसिक सैलरी इनपुट की सपोज कीजिए 4,000 रुपये, मान लीजिए। ठीक, 4,000 हमने यहाँ एंटर किया। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगा DA, तो 40 × 4,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1,600 रुपये, तो इसमें आ जाएगा आपका 1,600 रुपये। ठीक, फिर ये कैलकुलेट करेंगे आप ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 800 रुपये। ठीक, यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो 4,000 + 1,600 + 800, ये आ जाएगा आपका 40, 10, 50, 56 और 8, 6,400 रुपये। ठीक, अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, तो ये पूरा जैसे आपने जो प्रिंट ऐप में दिया है ये लिखा हुआ आएगा ऐसे, डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसके बाद वैल्यू आ जाएगी, तो DA कितना है 1,600 रुपये, इक्वल टू 1,600, ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर ऐसे ये लाइन आएगी तो लिखा हुआ आएगा हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहाँ HRA है, तो HRA में वैल्यू कितनी आई थी 800, तो ये आ जाएगा 800, ऐसे लाइन में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, द ग्रॉस सैलरी, तो लिखा हुआ आएगा द ग्रॉस सैलरी, इस तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिएगा बिल्कुल यही मिलेगा आपको, द ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद GS में कितनी वैल्यू आई है 6,400, तो यहाँ आ जाएगा 6,400। क्लियर, तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को, अभी आप छोट आप शुरुआत कीजिए हमेशा छोटे छोटे प्रोग्राम से, और फिर उसमें जो थोड़ी बहुत आपके कॉमा फुल स्टॉप सिंटेक्स एरर वेरिएबल, तो उसमें घबराइए नहीं, उसको जो भी एरर आती है स्क्रीन पे उसको पढ़िए कि वो क्या कह रहा है, और उस लाइन में जाके उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। तो इस तरह से आप सी प्रोग्राम जो है अपने छोटे छोटे सी प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सारे स्टेप्स, अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।